जय श्रीमन्नारायण मित्रों मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 59 की। 59वें अध्याय में शनि की महादशा का वर्णन है, महर्षि पाराशर ने किया है। कुल 82 श्लोक है। इन 82 श्लोकों में से आज के पहले हमने 1 से लेकर 54 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 54 श्लोकों में शनि की दशा में शनि की अंतर्दशा, बुध, केतु, शुक्र एवं सूर्य की अंतर्दशा का तथा चंद्रमा की अंतर्दशा का वर्णन महर्षि पाराशर द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। और आज हम श्लोक नंबर 55 से लेकर श्लोक नंबर 62 तक कुल 8 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इन 8 श्लोकों में शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का वर्णन है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/balajiJyotishKendra इस चैनल पर जाइए और वहां जा करके हमारे सारे वीडियोज को देखिए, लाइक एवं अपने सुहृदजनों में शेयर भी कीजिए ताकि वैदिक धर्म का, शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरम्भ करते हैं। महर्षि पाराशर अपने 55वें और 56वें श्लोक में कहते हैं कि मंदस्यांतर्गते भौमे केंद्र लाभ त्रिकोणगे तुंगे स्वक्षेत्रगे वापेद समाधिप समन्विते लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यम धनागमः राजप्रेतिकरम सौख्यम महानाम्बरभूषणम। कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शनि की दशा चल रही हो और अंतर्दशा में मंगल हो और ऐसा मंगल आपकी कुंडली में किसी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में स्वच्छ का या स्वच्छत्री हो या दशानाथ शनि के साथ में स्थित हो या फिर लग्नेश के साथ में मंगल हो तो दशा के आरंभ में हर प्रकार के सुख एवं धन लाभ, राजा से प्रीति, वाहन आदि की प्राप्ति करवाता है। सेनापत्यम नृपपते कृषि गोधान्य संपदा नूतन स्थान निर्माणम भ्रातृवर्गेष्ट सौख्यकृत। सेनापतित्व यानी किसी भी कार्य में अग्रणी रखता है, ठीक है। सेनापति का मतलब अग्रणी रखना, ठीक है। अब पहले के जमाने में राजा और सेना होती थी तो सेनापतित्व की प्राप्ति होती थी, अथवा आज के समय में भी अगर कहें कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना है, उसके किसी प्रमुख जनरल आदि पदों की प्राप्ति होना, ठीक है। राजा से प्रीति, कृषि एवं पशु धन की वृद्धि, नए स्थान का निर्माण एवं भाइयों का सुख प्राप्त करवाता है। मंगल भाई का कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो महर्षि पाराशर अपने 58वें श्लोक में कहते हैं कि नीचे चास्तं गदे भौ में लग्नाद अष्टव्यय स्थिते पाप दृष्टि जुते वापी धनहा निर्भविष्यति। यदि मंगल आपकी कुंडली में नीचगत, स्तंगत या अष्टमस्थ या फिर पाप ग्रहों से, उनकी दृष्टि से युक्त हो तो ऐसा मंगल धन हानि करवाता है। चौरादि व्रण शस्त्रादि ग्रंथि रोगादि पीड़नम भ्रातृप्रेत्रादि पीड़ा च दायाद जन विग्रह चोर भय सर्प भय घाव होना और शस्त्र आदि से भय, शरीर में गांठ अथवा ट्यूमर आदि का होना जिससे पीड़ा होना, भाइयों एवं मित्रों को कष्ट, संपत्ति के दावेदार जो होते हैं यानी कि अपने हिस्सेदारों से विवाद भी संभव हो जाता है, ठीक है। चतुष्पाद जीवहानिश्च कुत्सितान्नस्य भोजनम विदेश गमनम चैव नाना मार्गे धनव्ययः। चौपाया पशु से कष्ट या हानि, कुभोजन अर्थात न खाने योग्य भोजन को खाना, ठीक है, विदेश गमन अनेक प्रकार से धन का व्यय होना, ये सब होता है। अष्टमद्योननाथे तो द्वितीय स्थे अथवा यदि अपमृत्यु भयम चैव नाना कष्टम पराभव। कहते हैं कि यदि मंगल सातवें आठवें भावेश हो या मंगल द्वितीयस्थ हो तो अपमृत्यु का भय, नाना प्रकार के कष्ट एवं हर जगह पराजय की ही प्राप्ति करवाता है, ठीक है। तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि तद दोष परिहारार्थम शांति होमम चकारयेत
वृषदानम प्रकुर्वेता सर्वारिष्ट निवारणम। कहते हैं कि ऐसे दोष यदि आपके ऊपर शनि की दशा में मंगल की अंतरदशा हो और इस प्रकार के दोषों की प्राप्ति आपको हो रही हो तो इसके लिए शांति हवन करवाना चाहिए, ग्रह दोष निवारण विधि करवाना चाहिए। ठीक है, बिना हवन के यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही जिद्दी ग्रह हैं, ठीक है, शनि भी और मंगल भी, तो ऐसे में आपको ग्रह शांति ही आपके लिए उपयुक्त होगा। वैसे जो नॉर्मल उपाय मंगल के लिए और शनि के लिए बताए गए हैं हमारे वेबसाइट balajiyotish.com, इस पर आप जाएंगे तो अनेकों उपाय आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ विजिट अवश्य कीजिए। और दूसरा, मंगल की शांति के लिए एक बहुत कॉमन उपाय है साढ़ छोड़ना। ठीक है, तो साढ़ छोड़ना, अगर आप ये साढ़ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से मंगल के अशुभ दशा का निवारण हो जाता है। ठीक है, तो आज का प्रसंग यही पूर्ण हुआ। मूंगा धारण के विषय में मैंने आप लोगों को कई बार बतलाया है और आज संक्षेप में थोड़ा सा बतला दूं कि मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी, आपकी कुंडली में लग्न या दशा नाथ से शनि केंद्र या त्रिकोण में या लाभ स्थान में बैठा हो, कि पाप ग्रहों की दृष्टि न हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो मंगल के लिए मूंगा आप धारण कर सकते हैं और ओवल मूंगा ही धारण करें। ठीक है, और अच्छे से जप करके करें तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत लाभ मंगल करवाएगा। ठीक है, और अगर अशुभ हो तो इसकी शांति का उपाय अपनाइए। तो आज का प्रसंग यहीं पूर्ण हुआ। आप हमारे youtube.com/balajiyotish केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहाँ जाकर के आप हमारे सारे वीडियोज को देखिए, अध्ययन कीजिए, वीडियोज को लाइक एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, सुहृदजनों एवं रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें ताकि वैदिक धर्म का, शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण।